पहले के समय में सभी पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया, सभी पंछियों में पहले जैसा प्यार नहीं रहा। सभी अपने काम से मतलब रखने लगे। पहले की तरह अब वे इकट्ठे दाना लेने भी नहीं जाते थे। नहीं बुलबुल बहन, दाना लेने चलोगी? लाडो, मेरे पास आज के गुजारे के लिए घर में दाना है। लाडो दाना लेने जंगल में चली जाती है, पर शाम को खाली हाथ लौट आती है। लाडो और उसके बच्चे खाली पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह लाडो बुलबुल को दाना लाने के लिए पूछती है। बुलबुल मना कर देती है। बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम घर पर ध्यान से रहना। लाडो को रास्ते में बहुत सारा खाना मिल जाता है और वह खाना लेकर घर वापस आ जाती है। बारिश भी शुरू हो जाती है। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में बैठे बारिश का मजा लेते हैं। बारिश 2-3 दिन तक लगातार लगी रहती है। पंछियों के पास दाना खत्म हो जाता है। लाडो बहन, ओ लाडो बहन, दरवाजा खोलो, मैं गौरी। हाँ गौरी बहन, क्या हुआ? लाडो बहन, मेरे घर दाना खत्म हो गया है। मेरा बेटा किट्टू भूखा है, मुझे कुछ खाने को दाना दे दो। बारिश बंद होते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगी। ले लो गौरी, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा एक ही बात है। पंछियों, मुझे लगता है इससे पहले और पानी आ जाए, हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए। पर हम जाएंगे कहाँ? अब हमें जो भी करना है, मिलजुल कर पहले की तरह करना होगा। सारे पंछी एक सुरक्षित स्थान चुनते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। रहने के लिए एक बड़ा सा झोपड़ा बनाते हैं और खाने के लिए सभी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। सारे पंछी एक सुरक्षित स्थान चुनते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। रहने के लिए एक बड़ा सा झोपड़ा बनाते हैं और खाने के लिए सभी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। हम पंछियों को पहले की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे हम हर कठिन परिस्थिति से निकल सकें। तुम ठीक कह रही हो लाडो। अब सब पंछी अलग अलग दाना लेकर आते और मिल बांट कर खाते। लाडो चिड़िया पेड़ से थी और अंडे देने वाली थी। जंगल में आए दिन रोज बारिश होती रहती थी। लाडो का घोंसला बहुत ही कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत ही कमजोर है, ऊपर से यह बारिश, मैं क्या करूं? इस हालत में मैं उड़कर भी नहीं जा सकती। तभी कालू उड़कर लाडो के पास आ जाता है। अरे लाडो, तुम आज सभा में क्यों नहीं आई? क्या बताऊं कालू, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज सभा में बारिश की जानकारी देने वाले पंछी भी शामिल थे। उन्होंने बताया हमारे जंगल में बहुत जल्दी बारिश आने वाली है। इतना बताकर कालू वहां से चला जाता है। ऐसी हालत में मैं अपना घोंसला नहीं बना पाई। तेज बारिश शुरू हो जाती है, घोंसला टूट जाता है। लाडो तेज बारिश में उड़ती हुई कालू के पास जाती है। कालू, मैं लाडो, दरवाजा खोलो। लाडो, तुम इतनी बारिश में जहां? मुझे लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में रख लो। बारिश वाले पंछी ने तो 3-4 दिन की बारिश बताई थी। तब तक तो मेरा सारा अनाज खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं लाडो,
मेरे घर तो रिश्तेदार आए हैं, मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं रख सकता। उदास मन से लाडो वहाँ से चली जाती है। लाडो उल्लू चाचा के पास जाती है। चाचा, मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दो, मैं अंडे देने वाली हूँ। लाडो, तुम ये जादुई पानी ले जाओ, किसी भी फल वाले पेड़ में डाल देना, उस पेड़ का एक फल तुम्हारे लिए घर बन जाएगा। लाडो ऐसा ही करती है। सेब एक फल लाडो के लिए घर बन जाता है। लाडो उस घर में बड़े आराम से रहने लग जाती है।